इस वीडियो में हम एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं गूगल कीवर्ड पैनल टूल में तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सूरज, ये बात याद रखिएगा कि हो सकता है गूगल आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाए और जो आप यहाँ देखें स्क्रीन पर वो डिफरेंट रिजल्ट हों। उसमें कीवर्ड के लेवल पर डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है सर्चिज के लेवल पर डिफरेंस हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम मोबाइल फ़ोन सर्च करें तो ये रिजल्ट्स आते हैं। तो अब इस रिजल्ट्स को देखते हैं कि ये एक्चुअली रिजल्ट्स क्या आए हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की सर्चेस के अगेंस्ट मुझे ये कीवर्ड के रिजल्ट्स गूगल ने दिए हैं और मैं इसको ज़रा वन बाय वन ब्राउज करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि कितने कीवर्ड्स मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मुझे वो मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है, फिर सेल फोन, फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन डील्स, न्यू मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन मोबाइल, और करते करते तकरीबन वो मुझे बता रहा है कि तकरीबन 738 रिजल्ट्स हैं उसके पास, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गूगल ऊपर दिखा रहा है। इसके आसान करने के लिए मुझे अगर ये पता करना है कि सबसे जो हाईएस्ट सर्च कीवर्ड्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल के इस कीवर्ड टूल के ऊपर जो सेकेंड पैनल है, जो सेकेंड कॉलम है एवरेज मंथली सर्चिस का कॉलम, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और वो उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट कर देगा। मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली कीवर्ड्स हैं वो उनको ऊपर ले आएगा और जो उससे कम सर्च होने वाली कीवर्ड हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको बतदरीज नीचे शो करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन सबसे ज़्यादा जेनेरिक है लेकिन सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है। अब चूँकि गूगल रेंज देता है 10,000 से 100,000, मतलब कि 10,000 से 1,00,000 तक, तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितने कीवर्ड नंबर वन पे हैं। तो इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि तकरीबन 5-6 कीवर्ड जो टॉप पर हैं वो एक ही रेंज में फॉल करते हैं, जो कि 10,000 से 1,00,000 की रेंज है। तो हमें इसके साथ बस ये अंदाज़ा करना है कि हमारे लिए कौन से कीवर्ड बेहतर हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने जिक्र किया था कि किस तरह से शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड में डिफरेंस होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमें क्लैरिटी मिलती है कि यूज़र क्या डिमांड कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसको देखूँ तो फ़ोन अगर कोई सर्च करता है तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि फ़ोन सर्च करने वाला असल में चाहता क्या है। वो फ़ोन की वीडियो चाहता है, वो फ़ोन ख़रीदना चाहता है, बेचना चाहता है, या उसका फ़ोन टूट गया है। तो हज़ार किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हमें इस तरह के शॉर्ट टेल कीवर्ड से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं समझ आती कि ये कीवर्ड्स हमें अल्टीमेटली कैसे फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आप देखेंगे कि नोकिया मोबाइल दूसरे नंबर पर आ रहा है और मोबाइल फ़ोन और सैमसंग मोबाइल भी टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स में से शुमार होता है इनका। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको मज़ीद फ़ोन मिलेंगे जिसमें कंपेयर फ़ोन्स का एक कीवर्ड है, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन मोबाइल है, और इस तरह करते करते नीचे तकरीबन 700 से ज़्यादा ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। अब ये वो डेटा है जो हमें हेल्प करेगा हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में, जो कि हम मज़ीद जिक्र करेंगे बाद में। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस डेटा को सेव करना है। अब आपको ये गूगल जो डेटा देगा इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, जो कि एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टॉप में देखना है कि वहाँ पर डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ के नाम से एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो गूगल आपके ये कीवर्ड्स डाउनलोड कर लेगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें सारे के सारे कीवर्ड्स जो गूगल ने आपको शो किए थे वो उसमें अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो डेटा मेरे पास गूगल एड टूल में अवेलेबल था वही डेटा मुझे एक्सेल शीट में भी अवेलेबल है। फ़िलहाल मुझे इस डेटा से कुछ नहीं करना, हमारा अभी पहला मकसद मज़ीद कीवर्ड्स फाइंड करना है। आप चूँकि एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपकी एक प्रोडक्ट नहीं है, और उस अगर आपकी एक प्रोडक्ट है भी, हर प्रोडक्ट को यूज़र डिफरेंट एंगल से सर्च करता है। सो वो डिफरेंट एंगल्स क्या हैं? अगर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है मोबाइल फ़ोन, तो हो सकता है कोई उसको ये भी लिख रहा हो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि अगर लोग मोबाइल फ़ोन प्राइसेस सर्च करें तो वो उसके अगेंस्ट गूगल मुझे क्या रिजल्ट शो करता है। मैं अपनी अब क्वेरी चेंज करूँगा और इसको मोबाइल फ़ोन को डिलीट करके मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखूँगा। और ये मैं इसलिए लिखूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा कस्टमर मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है तो वो मोबाइल फ़ोन भी सर्च कर रहा होगा, लेकिन जिसकी जेब में पैसे हैं तो वो प्राइसेस भी ढूंढ रहा होगा।
क्योंकि प्राइसेस ढूंढने वाले वो लोग हैं जो पॉसिबिलिटी है या हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो खरीदने की घर से प्राइसेस का वर्ड साल लिखेगा और उसको बाय करने की घर से आपकी वेबसाइट पे भी आएगा। तो जैसे मैं इसको मोबाइल फ़ोन प्राइसेस को लिख के सर्च करूँगा, गूगल मुझे डेटा नया शो करेगा और अब ये डेटा चेंज हो गया है। इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कीवर्ड्स ओवरलैप हो रहे होंगे, यानी कि जो पहले आपने डेटा सर्च किया वो डेटा इसमें रिपीट हो सकता है, क्योंकि गूगल आपको ये आइडियाज़ के तौर पर देता है। अब गूगल को ये नहीं पता कि आप ये पहले भी सर्च कर चुके हैं या आप ये बाद में भी सर्च करेंगे, तो आपका ये काम है कि आपको जितने भी आइडियाज़ मिलते हैं आप उसको डाउनलोड करते जाएं, बाद में हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतर करेंगे। सो बजाय इसके कि मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूँ, मैं करूँगा ये कि मैं इस पर क्लिक करूँगा डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, और ये फाइल भी मैं अपने पास सेव कर लूँगा। अब चूंकि मुझे इसको याद रखना है कि मैंने कौन सी फ़ाइल किस नाम से डाउनलोड की है, तो मैं हर फाइल का नाम चेंज करता जाऊंगा और उस फाइल का नाम उस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं लिख लूंगा, ताकि मुझे ये याद रहे कि कौन सी फ़ाइल किस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च की थी और किस कीवर्ड का कौन सा रिज़ल्ट आया था। और जब आप ये सेव कर लेंगे तो आपने ऐसे ही मज़ीद कीवर्ड सर्च करते जाना है जो कि आपको लगेगा कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं। आप वो कीवर्ड लिखते जाएंगे और उसके अगेंस्ट उसको डाउनलोड करते जाएंगे, ताकि आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिख रहा है या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर लिख रहा है या खाली मोबाइल फ़ोन लिख रहा है, तो वो किस तरह से रिज़ल्ट वेरी करेगा। और हम मज़ीद ये डिस्कस करेंगे कि इस डेटा को जब हम हासिल कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको कैसे आगे यूज़ करना है।